हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज़ अनितिका सिंघानिया। एंड गाइज, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, और पहले से जुड़े हुए हो तो थैंक यू सो मच। सो गाइज, आज का ब्लॉग काफ़ी स्पेशल होने वाला है। और आज का ब्लॉग क्या है मैं बताती हूँ। आज का ब्लॉग होने वाला है छठ पूजा ब्लॉग। सो जो लोगों को नहीं पता कि छठ पूजा क्या होती है, उनको मैं बता दूँ गाइज कि छठ पूजा बिहार का महापर्व है। और छठ पूजा ढाई दिनों तक चलता है। और छठ पूजा क्या क्या होता है धीरे धीरे आगे के वीडियो में बताती रहूँगी, क्योंकि फ़िलहाल तो मुझे इतना ही पता है। और आज गाइस खरना पूजा है, तो मैंने सोचा कि चलो आज से व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। और खरना पूजा से पहले होती है गोवर्धन पूजा, तो वो होती है मतलब भाई दूज के दिन। तो अगर आप लोगों ने वो मतलब गोवर्धन पूजा क्या होती है वो मैं आपको यहाँ पे क्लिप डाल दूँगी, आप लोग देख लेना, क्योंकि उस दिन मैंने ना कोई स्पेशल सा व्लॉग नहीं करा था। ठीक है, तो पहले आपको देख के आओ। सो गाइस, ये है गोवर्धन पूजा। इसमें क्या होता है, रुई हड़िया और बजरी और पूजा का हर सामान की से अच्छे से पूजा होती है। और इसमें भाइयों को श्राप देते हैं गाइज, और श्राप से उसे मुक्त करके इस हड़िया को कूट देते हैं गाइज। ये पूजा भाई दूज के दिन होती है और ये भाइयों के लिए होती है। और बिहार का कोई भी पूजा हो गाइज, और बिहार का सिंदूर ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? बिहार का सिंदूर गाइज, जो नाक के ऊपर से सिंदूर करते हैं और जो त्रिशूल बनाते हैं ना, वही यहाँ पे हो रहा है अभी, आप लोग देख सकते हो जैसा कि। और पूजा के बाद कुछ ऐसे दिखता है, और इसे हम लोग शाम तक छोड़ देते हैं गाइज, ये ऐसे ही रहता है। गाइस, अभी आपने देखा गोवर्धन पूजा क्या होती है, और उसके बाद आज है खरना पूजा गाइस। तो खरना पूजा के दिन क्या क्या करते हैं अब आगे से मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? तो खरना पूजा के दिन बनता है साठी के चावल का खीर और रोटी, तो वो बनाएंगी छोटी मम्मी, और मैं बनाऊंगी नॉर्मल खीर रोटी, जो मतलब चलो आपको धीरे धीरे बताती हूँ आगे क्या क्या होता है। जैसे देखो, हाय, हेलो हेलो। सो गाइस, इसने मेहंदी लगा ली और मेरा बाकी है अभी, और मैं ज़्यादा कुछ हैवी नहीं लगाने वाली, इसमें कंप्लीट नहीं हुआ देखो। हाँ, इसमें हो गया। और यहाँ पे गाइस छोटी मम्मी बना रही है, मैं आपको दिखाती हूँ, रुक जाओ। हाँ, अब बताइए क्या बना रहे हैं? साठी का चावल का खीर बन रहा है। ओ। और रोटी बनेगा, हैप्पी छठ पूजा। सो गाइज, यहाँ पे साठी के चावल का खीर और रोटी बन रहा है, जो खरना पूजा में काम आता है। और ठीक है, चलो। सो गाइज, देख सकते हो यहाँ पे दादी खरना पूजा की तैयारी कर रही है। सो गाइज, यहाँ पे दादी कर रही है खरना पूजा की तैयारी। और मैं बता दूँ आप लोगों को कि खरना पूजा क्या होती है। तो खरना पूजा छठी मैया के आगमन के दिन की जाती है। खरना के पूजा के बाद ही छठी मैया आती है गाइस। और इस पूजा में हमें चाहिए होते केला का पत्ता, रोटी, साठी के चावल के खीर और फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स गाइस, हर चीज़ रख के हम लोग पूजा करते हैं। और आज ही के दिन छठी मैया हमारे घर आती है, और उसके बाद गाइस यहाँ पर सारे फैमिली मेम्बर आके आशीर्वाद लेते हैं छठी मैया का। कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी विश मांगो ना तो वो पूरी हो जाती है गाइस। तो आप लोग अगर देख रहे हो तो प्लीज अब भी आंखें बंद करो और अभी एक विश मांग लो, क्या पता आपकी विश भी पूरी हो जाए। और यहाँ पे हमारे फैमिली मेंबर्स में सब मेरे भाई को मैं बता रही थी कि मतलब कैसे कैसे क्या करना है, उसे पता नहीं था। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आके आशीर्वाद लेना है, ठीक है? और बस यही है, आशीर्वाद सब ले रहे हैं। और कनक आशीर्वाद, कनक तुमने आशीर्वाद लिया क्या? तुम कहाँ थी इसमें? थे फर्स्ट सेकेंड में। ओ गाइस, कनक ने भी आशीर्वाद ले लिया। गाइस, ये प्रसाद हम लोग उनके लिए यहाँ लेके जा रहे हैं जिनके घर छठ पूजा नहीं होती है, क्योंकि छठ पूजा का प्रसाद तो सबको देना चाहिए ना। कनक है देखो। सो गाइस, अब हम अपने हाथों पे मेहंदी लगाएंगे। मेहंदी कनक के हाथ पे वैसे लग चुकी है, बट पीछे नहीं लगा ना, कलर नहीं आया। तो आ जाएगा, मैंने धो लिया। हाँ, सुबह तक आ जाएगा कलर। और मेरे हाथ पे नहीं लगी, तो मुझे अभी लगाना है। मैं थोड़ा सा लगाऊंगी, ज्यादा नहीं, पर मुझे आएगा। मैंने और... हाथ लगाया। इसमें हाँ, काफी ज्यादा इसने लगा लिया। हम आपको जा रहे हैं मेहंदी लगाने, और उसके बाद लगा के मिलते हैं। मैंने यहाँ पर रिंग लाइट भी ऑन किया है, क्योंकि आगे ठंड भी बहुत है, और ऊपर से मेरे रूम की जो लाइट थी ना, मतलब बल्ब था, वो ना पूजा वाले रूम में ना छोटा सा बल्ब लगा हुआ था, तो दादी ने एक्सचेंज कर दिया। तो अभी मेरे रूम में लाइट नहीं थी, तो मैंने रिंग लाइट ऑन कर लिया, क्योंकि मेरे पास रिंग लाइट है। तो मैं मेहंदी लगा के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। चलो, कल सुबह मिलूंगी, ठीक है? बाय।
सो गाइज अभी बज रहे सुबह के 2 और मैं 2 नहीं कर रही थी, मैं ब्लॉग के लिए ऐसे कर रही थी जस्ट। और मैंने नहाया था गाइज, अभी बहुत ठंड लग रही थी। और क्या होता है कि सुबह में मैं उठ के सजिया घाट के दिन सुबह में उठ के ठेकुआ पड़ोकिया और कसाड़ वगैरह पूड़िया सब बनाना होता है गाइज। तो हम सुबह 2 बजे उठे थे, मतलब मेरे घर में सब उठ गए थे, दादी छोटी मम्मी कनक और मैं, और सब नहा के आए थे गाइज। नहाने के बाद इतनी सुबह सुबह इतनी ठंडी लगती है ना, क्या बताऊँ मैं। और मैंने मतलब कनक तुम्हें ठंडी नहीं लगी थी क्या? नहीं ठीक था, कनक को कुछ नहीं लगता गाइस। और यहाँ पे कनक रोड साफ कर रही थी और मैंने कनक को बताया कि उधर वेलकम लिख दो। कनक वेलकम लिख देना वहाँ पे आगे। सो गाइस ये लोग रोड पे अबीर डाल रहे हैं और रोड की सफाई भी कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि छठ व्रती जो आएंगे उनके लिए आसानी हो जाएगी ना। आगे का डिफिनेशन आगे की वीडियो में बताएंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। सो दिस इज डे 2 और आप लोगों ने देखा मैं कितनी सुबह उठी हुई थी। और अभी हम लोग जा रहे हैं सजिया घाट पे गाइस, सजिया अड़क देने जो होता है शाम वाला अड़क वहाँ पे, और इसे हमारे यहाँ सजिया घाट बोलते हैं। और यहाँ पे जो सामान सब तैयार किया हमने उसका व्लॉग मैं ले ही नहीं पाई क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत ही लो हो चुकी थी एकदम, मतलब ख़त्म हो गया था, इस वजह से नहीं ले पाई। और अब हम जा रहे हैं घाट पे, तो मैं आपको घाट का सीन दिखाती हूँ कि क्या क्या होता है हमारे यहाँ के घाट पे। ठीक है चलो बाय। सो गाइज ये है सजिया घाट, सजिया अड़क भी इसे कुछ लोग बोलते हैं। और हम यहाँ काफ़ी लेट पहुँचे थे, मतलब हम जगह गए तो उसके बाद लोग नदी में उतरना चालू हो गए थे और दादी भी अड़क देने लग गई थी गाइज। और उसके बाद क्या है ना कि हम लोग, मैंने सोचा कि चलो कुछ घूम के आते हैं, मैं कनक और मेरी फ्रेंड्स, तो हम सब घूमने गए उधर। तो यहाँ पे देखो गाइज ये है मेन गेट, यहीं से हम लोग एंटर करते हैं। तो मैंने यहीं से मतलब चाट चाउमीन मोमोज सबका ठेला लगा होता है यहीं पे आगे, जहाँ पे जो लोग छठ नहीं करते वो लोग उनके खाने पीने के सारा व्यवस्था किया होता है। और उसके बाद जब मैं वापस आई गाइस तो मैंने देखा यार पूरा घाट फुल हो चुका था, मतलब बैठने तक की जगह नहीं थी गाइस घाट पे। मतलब जो लेडीज थी वो तो बैठ रही थी लेकिन लड़कियों के बैठने की जगह नहीं थी, बोल रहे थे जाओ जहाँ खाना है जो करना है वो करो, लेकिन घाट पे जगह नहीं। अब भीड़ को देख के आपको पता चल रहा होगा गाइस कितना ज्यादा भीड़ था, और इतना प्यारा लग रहा था ना देख के गाइस हर चीज पे। और एक और बात मैं बोलना चाहूंगी गाइस कि अगर आप बिहार से तो आप रिलेट कर पाओगे कि हर चीज छोटी से छोटी चीज पे ना, जो पीपा सिंदूर होता है ऑरेंज कलर का सिंदूर गाइस वो तो लगा ही होता है। और उसके बाद गाइस छठ पूजा का तो एक खास बात है, ठेकुआ परोकिया को तो लोग सब जानते हैं लेकिन जो सिंदूर होता है उसे कोई नहीं जानता। तो छठ पूजा में सिंदूर भी बहुत बड़ा होता है। और यहाँ पे यस छोटू खिलौना लेके आ रहा था और मैंने मांगा तो छोटू की हरकतें देख लो भाई। और उसके बाद दौड़ा उठने लग गया था गाइस, अब सब अपने अपने घर जा रहे थे और अपने अपना मतलब दौड़ा में सब रख के अड़क का सामान सब लेके जा रहे थे। तो अंकल भी जाने लग गए थे, तो अंकल बोल रहा है कि चलो तेज घर की चाबी किसी के किसके पास है, तो चाबी था कनक के पास। तो मैंने बोला अंकल कनक के पास है, तो अंकल बोले कहाँ है कनक, तो कनक कहाँ थी घूम रहे थे कनक घूम रही थी। तो अब मैंने पीछे से कनक को भेजा। और यहाँ पे दादी हाथी कोसी भर रहे गाइस, हाथी कोसी से छठी मैया का पूजा होता है कहते हैं, इसमें छठी मैया होती है। आप देख सकते हो मेरे हाथी कोसी पर भी ना जय छठी मैया करके लिखा हुआ है गाइस। और ये दादी और छोटी मम्मी भर रही थी, अब मैं घर आ गई थी। तो गाइस मैं घर पे वापस आ गई और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए जैसा कि आप देख सकते हो। और अभी हमारे यहाँ कोसी भराया है तो मैं आपको दिखा देती हूँ वो, और बस आप कोसी भराते हुए देख लो ठीक है। तो गाइस जिसे बोलते हैं कोसी, ये हाथी कोसी है और ये हमारे घर ऐसे पूजा होता है। सो गाइस जब ये सारा सामान रखा जा रहा था सुबह में तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पा रही थी, और यहाँ से इतना प्यारा व्यू आ रहा था, आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है गाइस। मतलब मुझे तो मतलब मैं रुक ही नहीं पाई इसे रिकॉर्ड किए बगैर। और यहाँ पे कनक धूप जला रही थी, मतलब होम कर रही थी। और कनक ने बोला, पता है कनक ने स्पेशली बोला कि दीदी व्लॉग बनाओ व्लॉग बनाओ। सो गाइस हम लोग यहाँ पे पटाखे जला रहे हैं और वो समर भैया और वो मैं और वो लोग भैया और दीदी वीडियो बना रही है। अरुण है बच्चा पार्टी, हेलो इधर देखो, यस छोटू गाइस हम यहाँ पे लैंप जला रहे हैं। क्यों फेस नहीं दिख रहा है? छोटू
सो गाइज इससे आगे मैं इसलिए नहीं बोल सकती थी क्योंकि हमारे यहाँ गाना बज रहा था गाइज, और गाना बज रहा है तो फिर कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा इस वजह से। और यहाँ पे हम लोग लैम्प जला रहे थे और ये लैम्प जल गया गाइज, ये उड़ाई नहीं, तो हम क्या कर सकते थे, हमारा पैसा वेस्ट हो गया और सबका मन उदास हो गया। तो आलोक ने क्या किया, आलोक फिर से एक लैम्प लेके आया था और यहाँ पे हम लोग पहले उड़ा रहे थे क्या बोलते हैं उसको, अनार। हाँ गाइज ये अनार है और ये हम लोग जला रहे थे और उसके बाद समर ने क्या किया, हाथों में अनार जलाया था। सो गाइज देख सकते हैं हाथ उड़ा रहा है। दूसरा मतलब दूसरा लैंप है, पहला वाला हमसे जल गया तो हम दूसरा जलाएंगे अब। यस क्या उड़ गया, अरे यास के मौसा तुमको भी मौसा ही लगेगा। यास आज क्या है पहले तुम बताओ। आज हमारी सेकंड दिवाली है, ओ उड़ जा। रिएक्शन फैमिली रिएक्शन गाइस। और ये हमारा हाथी कोशी है और यार छोटू को देखो क्या हुआ, 52 50 वाट। गाइस लत्ती जला रहे हैं यहाँ पे देखो, इसको ऐसे ऐसे करके जलाते हैं और मैं आपको सिखा रही हूँ। यहाँ पर समर है देखो, हम जला दी, सॉरी समर हेलो बोलो। हेलो। और यहाँ पे गाना बजने लग गया गाइस, तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाय एवरीवन, सो गाइस दिस इज डे 3 और आज है सुबह वाला घाट यानी कि भोरवा घाट। और अभी मैं रेडी हो चुकी हुई है, मैंने यही वाला गाउन पहना है। मैंने इस साल शर्ट में कुछ नया नहीं लिया यार, क्योंकि ना मैंने ये रिचा दी की शादी में लिया था और उसके बाद मेरा ना अभी कुछ नया लेने का मन ही नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि फिर कुछ हो तो मैं नया लूँ। अभी भी नहीं लेना कुछ भी क्योंकि ये भी कुछ अच्छा मुझे मार्केट में मिला भी नहीं। और यहाँ पे कनक रेडी हो रही है। हाय। और कनक ने भी रिचा दी के शादी वाला गाउन पहना है क्योंकि हाँ इसने नया लिया, बट इससे ना वो उससे ज्यादा अच्छा ये लग रहा है अभी, तो इसने बोला कि वो वाला बाद में कभी पहनूंगी, अभी यही पहन लेती हूँ। और छोटी मम्मी उधर किचन में खाना बना रही है गाइस, क्योंकि सुबह वाला घाट पे जाने से पहले हमें ना खाना बना के जाना होता है, क्योंकि किसी को भी विदा करने से पहले ना खिला के भेजते हैं। इस वजह से आगे की स्टोरी मैं आपको वॉइस ओवर करके बताती रहूंगी, ठीक है। और अभी मैं जाऊंगी घाट पे। और यार पता है मैं इतनी सुबह उठी थी, लाइक 2 बजे उठी थी और 2 बजे के बाद में मैंने मतलब ठंडी लग रही थी नहाने में, क्या बताओ तुम्हें ठंडी लग रही थी? नहीं नहीं लगी, मुझे ही पता नहीं क्यों बहुत ठंड लग रही थी। और देखते हैं मैं आपको मिलती हूँ घाट पे जाकर। सो गाइस सुबह वाले घाट की ना बात ही कुछ अलग होती है, मतलब इतना प्यारा सजावट आप देख सकते हो गाइस, बलून से इतना प्यारा सजाया गया घाट को। और यहाँ पे आप देख सकते हो अबीर से वेलकम भी लिखा हुआ है, रंगोली में तो आई है जान ही डाल दिया बस किसी ने, मतलब इतनी प्यारी रंगोली है गाइस वीडियो में पता नहीं चल रहा। और यहाँ पे हाथी कोसी है, मतलब जब तक मैं अपने घाट पे पहुंची थी गाइस तब तक अंकल आलोक और समर ने मिलके हाथी का विसर्जन कर दिया था, तो मैं नहीं देख पाई थी। और मतलब लेकिन मैं बहुत सुबह गई थी गाइस, आप देख सकते हो अभी तो सिर्फ दौड़ा ही रखा है, कितने छठ व्रती अभी तक आए भी नहीं थे, लेकिन हमारा जो हाथी था उसका विसर्जन हो गया। और फिर मैंने यहाँ पे समर को बोला हेलो, समर ने भी बोला हेलो, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे गए पूजा करने गाइस, क्योंकि दादी ने कहा है कि आप सुबह वाले घाट पे सबसे पहले आके सूर्य भगवान को जल देते हैं, उसके बाद ही कुछ खाते पीते हैं। और तो मैंने बोला कि ठीक है चलो सबसे पहले हम लोग जल दे देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जल देने गए थे मैं और कनक। उसके बाद यहाँ पे अंकल गाइस ये ना दंड पारते हुए आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को बता दूँ कि दंड क्यों पारते हैं। सो गाइस यहाँ पे दंड इसलिए पारते हैं क्योंकि अगर आप छड़ी में ऐसे कोई भी मन्नत मांगो और आपकी मन्नत वो पूरी हो जाती है, तो मतलब अपने घर से मतलब छठ का व्रत करने के बाद अपने घर से दंड पारते हुए आते हैं। और यहाँ पे पानी में उतर के कुछ लोग अड़क देते हैं, कुछ लोग सिर्फ प्रणाम करते हैं गाइस। और इसे करने से ना मतलब छठी मैया, मतलब छठी मैया के श्रद्धा के ऊपर है गाइस, श्रद्धा के कारण ये लोग इतना कर पाते हैं। और गाइज ये है मेन गेट, मैंने सज्जिया घाट को आप लोगों को दिखाया था, लेकिन सुबह वाले घाट पे लाइटिंग की वजह से बहुत प्यारा लग रहा था। और मैंने समर को बोला ये, समर ने बोला, और कनक भी है यहाँ पे और मेरे फ्रेंड्स भी थे गाइज, और वो फ्रेंड्स थे मेरे साथ जो कैमरा साए है,
मतलब जो कैमरा साए नहीं है वो लोग थे ही नहीं। और उसके बाद फिर मैं आई घाट पे और मैंने आपको दिखाया कि सुबह मतलब धूप उगने के कगार पे आ गया था और इतना प्यारा, मतलब किसी और के घाट पे मैं आई थी इतना प्यारा लग रहा था। उसके बाद मैं अपने घाट पे गई और सूरज उग गया। उसके बाद मैंने भाइयों को बोला कि मेरे भाई गाइस, ये मेरे सारे भैया लोग हैं, मतलब मेरे भैयाज हैं, और ये मिष्टी है। मिष्टी कहती है हाय। हेलो एवरीवन, सो गाइस ये है मिष्टी। मिष्टी काफी टाइम से मुझे बोल रही है कि ब्लॉग बना ब्लॉग बना। ये सब नहीं बताते बच्चा ब्लॉग में। सो गाइस, मेरे भैयास को तो आप लोगों ने देख लिया, तो फिर हमारे यहाँ की लेडीज भी कुछ कम है क्या, सब ब्लॉग में आने के लिए एकदम एक्साइटेड कि चलो ब्लॉग बनाते हैं। पर क्या कर सकते यार, गाने की वजह से ना हम कुछ कर ही नहीं पाते घाट पे। और यहाँ पे सब अड़क देने लग गए थे क्योंकि धूप उग गया था, तो दादी भी अड़क दे रही थी और आंटी लोग भी अड़क देने लग गई थी, तो मैंने आप लोगों को दिखाया। और उसके बाद गाइस सब सिंदूर लगाए हुए, और फिर मेरे भैयास, गाइस मेरे भैया लोग ना, मतलब और मिस्टी को देख लो आप, मतलब सब भैया मेरे इस बार के ब्लॉग में आए हैं गाइस। और यहाँ पे देख सकते हो मैं दादी से प्रसाद ले रही थी क्योंकि छठ पूजा हो गया, तो दादी ने बोला कि प्रसाद ले लो फिर घर जाना, तो मैंने कहा ठीक है दे दो। लेकिन उसके बाद दादी बात करने में लग गई। गाइस मुझे प्रसाद के लिए कितना टाइम खड़ा रहना पड़ गया था, और मुझे मतलब मैं कह रही थी अब देगी, लेकिन मेरी दादी दे ही नहीं रही थी। और फिर बाद में लास्ट में दादी ने कहा कि मतलब सबको प्रसाद देने के बाद लास्ट में कह रही है तुम बाकी हो, मैंने कहा हाँ मैं बाकी हूँ, तो फिर दादी ने मुझे प्रसाद दिया और उसके बाद मैं लेके आई। और फिर मैं दादी से पूछ रही थी कि इसे खा सकते हैं क्या, दादी बोले प्रसाद है तो खाएंगे ही ना। घाट में खत्म हो गया। सैंडल में लग जा रहा है कपड़ा, बाकी कुछ नहीं है। घर का चाबी है तुम्हारे पास, जल्दी जल्दी चलो वरना फिर घर में सब क्या बोलेंगे। कनक कौन लेने आया? तो गाइस देखो छोटू के पास कितना बलून है। तो गाइस हम घर पे आ गए वापस। सामा दिखा के एंड कर लो। नहीं, सामा वाला ब्लॉग दूसरा करेंगे फिर से, काफी बड़ा ब्लॉग हो जाएगा वरना। और सामा क्या है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। और घाट खत्म हो गया गाइस, छठ पूजा समाप्ति, और मैंने डबल टेप से स्टिक किया था। और अभी पता है हम लोग बाहर घूम रहे थे घाट पे, और गेट का ना चाबी कनक के पास था और हमें पता नहीं था, और अंकल घर पे आकर गुस्सा करने लग गए थे। और काफ़ी मज़ा आया छठ पूजा व्लॉग में, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, वीडियो हेल्पफुल हो। अगर आपको छठ पूजा के बारे में कुछ भी पता चला हो इस व्लॉग के मतलब माध्यम से, तो प्लीज़ गिव इट द बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और इधर देख लो मेरी आंटी ताक रही है। और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।